दिग्रज पुलिस थाने के नवाकवेत पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखड़े ने शुक्रवार को पत्रकारों के लिए परिचय बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करने की जानकारी दी। पेश है दिग्रज संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। यवतमाल जिले के दिग्रज शहर में हाल ही में नवागमित पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े ने दिग्रज पुलिस थाने की कमान संभाली है। ऐसे में 22 मार्च शुक्रवार को दिग्रज पुलिस प्रशासन की ओर से दिग्रज तथा ग्रामीण पत्रकारों के साथ परिचय बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर थानेदार सेवानंद वानखेड़े ने अपना परिचय देते हुए अपने विभिन्न अनुभवों को साझा किया। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे शहर के ट्रैफिक की समस्या, कर्कश हॉर्न बजाकर बाइक दौड़ाने वाले युवाओं सहित चीड़ी मारी जैसी रोजाना की घटनाओं की जानकारी देते हुए विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए, जिसको गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने शहर की विभिन्न समस्याओं को हर संभव प्रयास से दूर करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर उन्होंने शहरवासियों और शहीद दिग्रज तहसील की जनता से क्या आह्वान किया है, आइए सुनते हैं। पोलीस स्टेशन दिग्रज मधील दिग्रजवासियांना आवाहन करण्यात येते की पोलीस स्टेशन दिग्रज मधील दिग्रज शहरातील ट्रॅफिक अत्यंत बेशिस्तपणे चालत आहे। या बेशिस्त ट्रॅफिकवर पोलीस आता कडक कारवाई करणार आहे। तसेच दुकानदार व्यापारी यांच्या आस्थापने समोर लावलेले बोर्ड्स असतील, पार्किंग अस्ताव्यस्त पार्किंग असेल, तसेच अस्ताव्यस्त उभे केलेली वाहने असतील यांच्यावर वेगवेगळ्या मुंबई पोलीस अधिनियम मोटर व्हेकल ॲक्ट प्रमाणे आम्ही आता कडक कारवाई करणार आहोत। तरी सर्व नागरिकांना पुन्हा आवाहन करण्यात येते की आपल्या दुकानासमोर किंवा आम रोडवर रहदारीस अडथळा निर्माण होईल असे कोणत्याही प्रकारचे वाहने, लोड गाडी, हातगाडी, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स पार्क करू नये। रहदारीस अडथळा निर्माण झाल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल। तसेच कॉलेज ट्यूशन क्लास समोर चिडीमारी करणारे टवाळखोर मुले कर्णकर्कश आवाजात वाहन मोटरसायकल चालवून उपद्रव करणाऱ्या मुलांवर सुद्धा कडक कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे। तरी सर्वांनी सर्वांना पुन्हा आवाहन करण्यात येते की अशा प्रकारचं कोणीही नियमांचं उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल। थँक्यू। कुल मिलाकर दिग्रज पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े की पुलिस सेवा काबिले तारीफ है। उन्होंने पुलिस विभाग के अलावा विभिन्न सरकारी सेवाओं में बतौर अधिकारी अपनी सेवाएं प्रदान की है। युवाओं का उत्थान और उनकी तरक्की में हर संभव योगदान देने के लिए वे परिचित है। युवाओं के लिए अभ्यासियों का निर्माण कर युवाओं को स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन करना उनकी युवाओं के प्रति आत्मीयता को दर्शाता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में थानेदार सेवानंद वानखेड़े स्पर्धा परीक्षा सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दिग्रज के युवाओं के लिए भी कारगर योगदान देंगे। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रज से जुबैर खान की रिपोर्ट।